अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को 7 महीने बीत चुके, लेकिन अब अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चाहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो या अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा हो, दोनों लगातार फरार हैं। दोनों की तलाश में पुलिस महीनों से खाक छान रही है, लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। अब अशरफ की पत्नी को लेकर ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। प्रयागराज में गैंगस्टर अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा पर एक और FIR दर्ज हो गई है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के साथ अशरफ के साले सद्दाम और जैद पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पी गई और उसे बेचा गया, और इसी मामले में अशरफ अहमद की पत्नी बुरी तरह से फंस गई है। जमीन हड़पने के मामले को लेकर प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में मुतवल्ली मोहम्मद आसियान के साथ कागजी हेराफेरी में शामिल मुतवल्ली की पत्नी जिन्नत को भी नामजद किया गया है। आरोप है कि अमेरिका जा चुके परिवार की 50 करोड़ की संपत्ति को कब्जा कर प्लॉटिंग की गई थी। आरोप है कि जैनब फातिमा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर करोड़ों की हेराफेरी की, वक्फ संपत्ति को फर्जी तरीके से गड़बड़ी करके बड़ा घोटाला किया गया, जिसके बाद अशरफ अहमद की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत से पहले ही शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों फरार हैं। वही जैनब जो पहले योगी सरकार पर नाइंसाफी करने का आरोप लगा रही थी, अब पुलिस से बचते घूम रही है। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जैनब अपने पति को आखिरी सलाम करने उसकी कब्र पर पहुंचेगी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तैनात कर दी गई, लेकिन जैनब नहीं आई। अब एक बार फिर केस दर्ज होने के बाद तलाश और भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस अशरफ अहमद की पत्नी को कब तक गिरफ्तार करती है। प्रयागराज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।